और यही रफ़ी साहब को भी खटकती थी, अच्छा क्योंकि देशभक्ति के गाने गाना पैसों के लिए या शोहरत के लिए वो बात अलग है, और अंदर से कुछ सचमुच देशभक्ति का कोई जज्बा है, वतन परस्ती का, तो वो उनके उनमें था। जैसे आपने बताया कि जी इतना लंबा आपका टाइम रहा, टाइम जी पीरियड रहा जर्नी जी रही, जी तो इसमें हम एक चीज़ निकल कर आती है कि जी आपका जितना भी ये टाइम पीरियड रहा है इसके अंदर आपके हस्बैंड जी मेजर अनिल मतवंगर जी का जी जी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल उनसे जब आपने ऐसा बताया भी कि उनसे मिलने के बाद ही आपने जी शायद जी सही तरीके से सही गुरुओं से यस शिक्षा ली जी है जी बिल्कुल संगीत की, जी जी तो क्या उनका सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में? और आर्मी में जी सेवेंटी जी वन वॉर के हो जी रहे जी हैं, तो जी आप जी उनके बारे में कुछ बताइए हमारे। मेजर मतवानकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वो 1 साल का कोर्स इतना रिगरस होता है कि भाग जाते हैं कैडेट्स, लेकिन इन्होंने बाकायदा इतनी अच्छी तरह से वो कोर्स किया है और वहाँ पे कैडेट ऑफिसर बने। फिर उनको पहली पोस्टिंग सीएमई की मिलती है, वहाँ पे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना में, और वो हैं बॉम्बे सैपर। और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अभी बम्बई में 3 पुल गिरे, अच्छा वो तीनों पुल हमारे बॉम्बे ऑफिसर्स ने बनवाए हैं। और पुलिस जब मुझसे मिलते हैं, मैं भी पुलिस से मिलती हूँ ब्रदर ऑफिसर कह के, वो कहते हैं कि जिन्होंने हाथ में बंदूकें लेकर हमारा रक्षण किया उनसे पुल बंधवाए, हमको बुरा लगता है। उनकी तो है हैसियत ऐसी है कि वो सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब जाके यहाँ पे सब सुख शांति से रहते हैं। तो मतलब ये बात काबिले, क्या कहूँ, ध्यान देने की है कि आर्मी जो करती है देश के लिए, हमारे देश में उसका उतनी वैल्यू है ही नहीं। मतलब अभी केरला में 2 बार बाढ़ आई, तब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों गए, तीनों ने कितनी लाखों जानें बचाई, उसमें खुद की भी जान गई, लेकिन आज उसमें से कोई एक भी बंदा याद करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो ये बात मुझे बहुत खटकती है, और यही रफ़ी साहब को भी खटकती थी, अच्छा क्योंकि देशभक्ति के गाने गाना पैसों के लिए या शोहरत के लिए वो बात अलग है, और अंदर से कुछ सचमुच देशभक्ति का कोई जज्बा है, वतन परस्ती का, तो वो उनके उनमें था। जी, और ऐसे ही दिलीप कुमार साहब भी ऐसे ही थे। जी हाँ, मेरी फिल्म बन रही थी ना, तो उस दरमियान भी कोई ना कोई फिल्म के क्रू का, उनका उनकी पहचान का होगा, तो उनके घर में मुझे डिनर पे बुलाया था, और हम लोग सब बैठे थे। मतलब सायरा जी, सायरा जी की मदर और उनकी ग्रैंड मदर, उनका नाम शमशाद बेगम था, मतलब ये सिंगर शमशाद बेगम नहीं, तीनों बैठी थी, और उनकी भाभी राहत। तो मैंने कहा आज यहाँ पे 4 इतनी खूबसूरत औरतें बैठी हैं कि इनमें से किसको खूबसूरत कहूँ। तो सायरा जी इतनी खुश हो गई, वो बोली, ज्योति जी आप इतनी अच्छी बात करती हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है कि आपके मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है, लेकिन आपके गले में जो है वो मेरे पास नहीं है, वो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब खाना लेने गए प्लेट में, दिलीप साहब बैठे हुए, जिनका हमने मतलब बचपन से जिनकी इबादत की हो, तो उन्होंने बोला लीजिए ना लीजिए, तो उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनको भी देश प्रेम बहुत था, मतलब मेजर साहब जब अच्छा
ही वॉज द गैरिसन इंजीनियर टू द होल नेवी, मतलब ही वॉज द अलोन पर्सन हु लुक्ड आफ्टर द होल नेवी. तो ये उनकी कैप थी और ग्रीन कार, ग्रीन ड्रेस, वो सब ओसी मतलब ऑलिव ग्रीन कलर, ओजी कहते हैं उसको, सॉरी ओसी नहीं. तो इन्होंने भी कहा कि इनकी गाड़ी जा रही थी, इनको पता भी नहीं, और पैरेलल पे उस वक्त गाड़ियाँ कम थी, आज के जैसा कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं थी ना, तो दिलीप कुमार साहब की गाड़ी भी जा रही थी. तो इन्होंने ऐसे देखा, और इनकी भी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी, तो दिलीप साहब ने यूं करके उनको सैल्यूट किया, इन्होंने भी सैल्यूट किया. तो ये बातें मतलब दिल को छू जाती हैं. ये वो दर्शाता है कि उनके दिल में भी जी जी इज्जत थी जी आर्मी में जी. और जब हम बांद्रा में रहते थे तो मधुबाला जो यस्टर ईयर की एक्ट्रेस थी, उनके साथ हमारा बिल्कुल फैमिली रिलेशन था. मतलब उनकी सबसे बड़ी बहन कनी जापा जो थी, उनकी बेटी हम जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे रहती थी. तो मुझे कभी, और वो भी एकदम सिंपल थी, तो एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि परवीज तुम में और मधुबाला में बहुत थोड़ा सा मुझे ऐसे रिजेंबलेंस लगता है. तो उसने भी शांत स्वर में कहा, ज्योति शी वॉज माई आंट. तो मैंने कहा सच्ची? और फिर जो हमारा मतलब उनके घर आना जाना, वही भाई थे, उनकी सब बहनें थी, चंचल थी, सब थी. तो उनके घर में कोई भी शादी होती थी तो हमें इनवाइट किया करते थे. और ज़्यादातर शादियां ऐसे हुई हैं कि जॉनी वॉकर साहब के घर के और मधुबाला के घर के, ऐसी शादियां हुई हैं. तो एक शादी में हम गए थे तो दिलीप साहब आए हुए थे, सायरा जी आई हुई थी, तो वो फोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास. तो मैंने दिलीप साहब को नमस्ते करके कहा कि हम लोग तो स्कूल में आपकी इबादत करते थे, ये वो. नो नो नो, द अटमोस्ट सैक्रिफाइस विच योर हस्बैंड कैन डू आई कैनॉट डू ही. तो मेरी इबादत करने के बजाय उनकी इबादत करनी चाहिए. मतलब आई वॉज टेकन अ बैक कि इतना बड़ा वो, ये सुरों के बादशाह और वो अभिनय के बादशाह, और उनके मुंह से इतनी अच्छी बात सुनना. और मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, उनके पास बैठी थी, तो उन्होंने कहा बेटा अब बहुत सुंदर है, अच्छी तरह से हंसो और अच्छा फोटोग्राफ खींचो मेरे साथ. बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे उस वक्त, क्योंकि कनी जापा थी ना, तो उनको नाम से पुकारती थी यूसुफ करके. तो उन्होंने कहा उनके साथ अभी खिंचवा देती हूँ फोटोग्राफ्स. जैसा मतलब अमूमन हमको देखने में मिलता है कि जी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जी, अपना बिल्कुल फिट रखते हैं जी, जी, अपने आप जी. और रफ़ी साहब भी मतलब था कि वो बैडमिंटन हाँ, के लिए उनका जो बिल्कुल, लगाव बिल्कुल, था. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ऐसा हुआ कि मेजर साहब और रफ़ी साहब का भी इस खेल वजह से मिले. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बांद्रा जिमखाना में ये भी जाते थे खेलने को मेजर साहब, वहाँ पे दिलीप साहब भी आते थे और रफ़ी साहब भी आते थे, और तीनों जम के खेला करते थे. और उस वक्त भी बहुत अच्छी बातें होती थी, फिर बाद में बैठ के चाय वाय पीना सब होता था जी. उस दौर में मतलब जी, ऐसा रहा जी, ये जी. तकरीबन रही होगी शायद 75 के आसपास, 75 से लेकर मुझे लगता है 80 तक, ये जो वाकया हुए हैं. हाँ, रफी साहब के साथ 78 to 80 का है जी जी जी. हमें पता चला कि मतलब आप लिखते भी हैं, आपने गाए भी हैं, अपने लिखे हुए गाने गाए जी जी. तो अभी एक गीत आपका कहीं से मतलब बहुत वायरल भी हुआ जी, वो आपने लता जी के लिए कुछ जी, गाया जी, तो मैंने कुछ लोगों ने मतलब ये भी कहा उसमें कमेंट्स जो मैं देख रहा था कि लता जी ने ही गाया है जी जी. बट वहाँ पर शायद एक दो कमेंट थे किसी लोगों की, नहीं उनकी आवाज़ नहीं, ज्योति मधुवंकर की आवाज़ है जी. और क्योंकि रिजेंबल करती है बहुत ज़्यादा. और ये तो वो क्या गीत था, किस हाँ, तरीके से आपने लिखा, और क्या आप उसको लेकर लता जी को सुना पाएंगे जी? अच्छा जी, मतलब वो स्तुति गीत, मुझ पर गीत ऐसे मतलब आ जाते हैं तो लिखने बैठी. और मैंने लता जी के लिए चार अंतरे का गाना लिखा,
बहुत ही खूबसूरत है वो गाना। और उषा जी से अपॉइंटमेंट ली, फिर उनके घर गए हम लोग। और लता जी का कमरा अलग है, तो पहले पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भेज दीजिए। और जैसे ही हम अंदर गए, मैं तो ज़मीन पे बैठ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पास आके बैठो। और फिर मैंने इनसे कहा अहो तेना सैल्यूट करा ना, तो लता जी ने कहा नहीं, तुम ही काय सैल्यूट करता, इतने शेजारी ये उन बसा, मेजर साहब से कहा। ऐसे कितने फोटोग्राफ्स उनके साथ हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपके नहीं, उन्होंने उन्होंने ही कहा तुम ही बाहेर काही तरी गाणं म्हणत होता, उशाला ऐकवत होता, मी ऐकत होते, काय म्हणत होता, अहो दीदी तुमच्यासाठीच मी हे गाणं लिहून आणलंय, तुमच्या चरणावर डोकं ठेवून मला हे गाणं तुम्हाला ऐकवायचं होतं माझ्यासाठी, मग म्हणा मतलब ये उन्होंने कहा कि तुम बाहर जी। कुछ गाना सुना रही थी उषा मंगेशकर हाँ को। मतलब उन्होंने ही हाँ कहा, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे अच्छा उषा जी से कि दीदी बहुत बीमार हैं और उनको उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी और गाना वाना तो बिल्कुल नहीं सुनाना, ये है वो। तो मैं भी डरते डरते, वी वेर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, और अंदर गए तो जब दीदी ने, मैंने तो पहले उनके पैरों पर सर रख दिया मेरा और मैं उनके पास ही ज़मीन पे बैठ गई थी। उन्होंने जब मुझसे कहा कि आप कुछ बाहर गाना गा रही थी, मैंने सुना, क्योंकि वो दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर है तो बीच बीच में 10 बार खुलता होगा, तो क्या था वो गाना, तो मैंने कहा आपके लिए आपका स्तुति गीत लिख के लाई हूं मैं, मेरे लिए, मना मतलब किसी का गाना वो सुनती नहीं है, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा था। और ये मैं ईश्वर साक्ष्य कहती हूँ कि खुद उन्होंने मुझसे कहा कि एक गाना गाओ। और गाना गाने के बाद उन्होंने भी यही कहा जैसा कि अभी आपने कहा, शब्बीर कुमार ने फोन करके कहा ज्योति जी आपकी आवाज़ तो बिल्कुल लता जी जैसी है। फिर ये अनूप जलोटा ने भी फोन करके कहा कि आपकी आवाज़ तो बिल्कुल उनके जैसी ही है। और शब्बीर जी ने कहा कि अरे रे मैं अगर आपके साथ उस वक्त कोई एक दो ड्यूएट्स भी गा लेता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा किया दिल से। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मतलब कहीं भी मैं गाऊँ, इस बिल्डिंग पे हम चक्कर लगाते हैं ना लेक कासल के, तो एक दिन एक ड्राइव, मुझे मालूम नहीं था वो कौन इंसान है, एकदम से पैरों में गिरा। तो मैंने कहा भाई उठो, कौन हो तुम, तो बोला मैं ड्राइवर हूँ लेकिन आपका पूरा मेरे पास वो कैसेट है, वो कैसेट नहीं आजकल वो क्या बनता है, वो है आपने क्या खूबसूरत भजन लिखे हैं अच्छा और लता जी का गाना, और मतलब आपके बोल सुने या आपकी आवाज़ सुने, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल लता जी जैसी हैं। तो मैंने कहा ईश्वर किसके कान में सुर डाल सकता है कि एक ड्राइवर को गाना पसंद आ सकता है। तो मैंने उसको नमस्कार किया, उसके अंदर के कलाकार को मैंने नमस्कार किया कि जिसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो जी मैम जैसा आज का दौर चल रहा है जी जी म्यूज़िक का जी और जितने ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो जी रहे हैं जी जी बच्चों को जी एक सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं कहूँगा यूज़ किया जा रहा है, जी इनकी जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ एक तरीके से ख़राब की जा रही है। मैं तो जिस देखती एज भी में हूँ। पढ़ना जी जी उनको पढ़ना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल या किसी और तरफ जाना चाहिए, एक संगीत की पूरी तालीम ना लेकर वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम एक कोई ऑडिशन दें और फटाफट से टीवी पर आ जाएं और ख़त्म। और अगर वो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि वो हर एक बच्चे को बहुत बड़ा कोई काम मिल रहा है या कुछ हो रहा है, बिल्कुल और जब वो लाइमलाइट उसे छिनती है जी तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, वो जी दूसरी जी चीज़ों में चला जी जाता जी है, और वो बच्चा शायद जो कुछ और कर सकता था जी या अगर संगीत बिल्कुल को पूरी तरीके से तालीम जी लेता बिल्कुल तो बहुत सब बिल्कुल। चीज़ कर सकता था।
अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके माँ बाप का ये कसूर है, क्योंकि वो कौन से गाने गाते हैं, यही लता जी के, आशा जी जी के, जी वो ही गाने उनके स्वर में जब सुने हैं हाँ तो ये आके उन्हीं को रिपीट करते हैं, मतलब उसमें कोई नयापन नहीं जी होता जी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश को आज साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है। चाइना कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है आज, फिर हमारे जो डिफेंस फोर्स है उसको भी बहुत ज़रूरत है, हमारे मतलब जो जवान ब्लड है उसकी। और मैं कोई भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पीछे इन लोगों का जो भी कुछ करिश्मा है उसे मैं बोलती हूँ कि ये वतन परस्ती की फिल्में बनाना बात अलग है। अपने बच्चों को क्यों नहीं फिर आप डिफेंस फोर्सेस में दाखिल करते, उनको तो आप विदेश भेज देते हैं अभिनय सीखने के लिए, या तो फिर वो कुछ भी टेक्निक्स हो वो जी वो सीखने। सीखेंगे एग्जैक्टली। तो और हमारे जैसे लोग इन, और मैं गर्व से कहूँगी कि मेरी पूरी फैमिली आर्मी की है। सबसे पहले मेरी सास ने मेरे ससुर से कहा 62 कमीशन ज्वाइन करो, ही वॉज अ डॉक्टर, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर। फिर वो मेजर मतवानकर बने मेरे ससुर। उसके बाद सिर्फ दो बेटे हैं, एक बेटे को आर्मी मेडिकल कोर, यानी कि सुनील इनका छोटा भाई, वो भी आर्मी में, और ये बड़ा भाई इनको कोर ऑफ, क्योंकि इंजीनियर थे तो इनको कोर ऑफ इंजीनियर्स में दाखिल करवाना ये बहुत बड़ी बात है। पूरा परिवार देश के लिए हमने समर्पित किया, लेकिन हमको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए, 1/4 भी नहीं मिलता, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ने वॉर नहीं देखी है। वहीं आप पंजाब कश्मीर वहाँ पे जाइए, पग पग पे आपको वो लोग मतलब मान देंगे। इनको तो एक ये आया था, मैं इसके बारे में क्या बोलते हैं, वो एक आर्मी ऑफिसर बहुत सीनियर जनरल मतलब मेजर जनरल का आया था कि अनिल व्हाट फॉर वी फाइट और फॉट फॉर द नेशन, क्योंकि नेशन डजंट केयर फॉर अस व्हेन वी वेर इन लंदन। ये मतलब बहुत ही वेटरन्स थे, तो व्हेन वी वेर क्रॉसिंग द रोड, वहाँ पे क्या है कि खुद भी बटन दबा सकते हैं और क्रॉस कर, लेकिन वो रुके थे सब वेटरन्स। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा लेट द वेटरन्स क्रॉस द रोड, मतलब उनको क्या लेना देना है जिन्होंने बल्कि हमसे हमारे ऊपर 150 साल राज करके, हम उनको अपना गुलाम कहते हैं, उन्होंने इतना मान दिया। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के कान में जाके किसी कर्ण पिशाच ने तो नहीं बोला होगा ना, वो उनका अंदरूनी था। और यहाँ पे मुझे रिक्शा वाला टैक्सी वाला इनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि आर्मी ऑफिसर हैं जो देश के लिए लड़े हैं, थोड़ा सा तो कुछ दिखाइए इज्जत या रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी बात खटकती है। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बात जो है सो है, मतलब मैं करती हूँ। जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ। मुझे छोटा बनने में कोई, इससे ना मैं छोटी बनती हूँ ना आप बड़े बनते हैं, मैं जैसी हूँ ऐसी हूँ। तो मैम ऐसा कुछ जो आपको आप हमें बताना जी चाहते जी हैं जी या हमारे लोगों से शेयर करना चाहते हो जी ऐसा जी कोई जी पॉइंट जी 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 पंडित भरत व्यास जी जो इतने महान मतलब कलाकार थे, जिनकी लेखनी ने ऐसे ऐसे उम्दा गीत लिखे हैं, उनके घर हम जाया करते थे। वो मुझे ज्योति राम, ज्योति बेटा ऐसा कह के पुकारते थे। उन्होंने रंगीलो राजस्थान नाम का एक एलपी बनाया था, उसमें मैंने दो गाने गाए हैं। एलपी वो ब्लैक वाला हाँ, जो जो उस वक्त बहुत एल्बम बड़ा था बनता था। हाँ जी हाँ, उसमें, और उस वक्त HMV में ये गाना गाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जब ये HMV में रिकॉर्ड हुआ ये दोनों ड्यूएट्स, हाँ जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक फोटो भी है मेरी जो बिरला मातुश्री में
प्रोग्राम किया था मैंने खुद अपना, अच्छा तो भरत व्यास जी ने ही वो पूरा ऑर्गेनाइज किया था, और स्टेज पे वो फोटो सब अंदर हैं अच्छा ऐसे दोनों हाथ करके, अच्छा और मैं यहाँ पे आपके सामने ज्योति को लाता हूँ। और मैंने भी गाए थे गाने, और साथ में सुरेंद्र कोहली जी ने भी मुझे उस वक्त काफ़ी सहारा दिया था, और शारदा जी, उनके लिए भी मैं बहुत अच्छा कहूँगी, उन्होंने मुझसे गाने तो गवाए ही हैं, और उनके साथ हमारा बिल्कुल घरेलू रिश्ता रहा है। मतलब वो हमें CCI में इनवाइट किया था उन्होंने, ऑफकोर्स हमने भी उनको हमारे आर्मी क्लब में एंटरटेन अच्छा किया है, और उनके घर जब भी जाती थी, मतलब ड्यूरिंग माय करियर, उस वक्त भी खाना खाके ही हम आते थे, और वो भी तो यहाँ आती थी, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल घरेलू रिश्ता था शारदा जी का और हमारा। और अभी जब फिल्म इंडस्ट्री से ही वास्ता था, तो वो लोग मेरी ज़िंदगी में किस कदर आते गए मुझे खुद को पता नहीं। हमारा US क्लब करके कुलाबा में है, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स, अच्छा तो वहाँ पे हम गए थे, ये अंदर हाथ धो रहे थे, तो इन्होंने ऐसे मिरर में देखा, तो राजकुमार, एक्टर तो राजकुमार हाँ एक्टर द द राजकुमार राजकुमार तो इनको इन्होंने कहा नमस्ते जी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे पहले, और हमारे यहाँ आर्मी में बहुत गिने चुने लोगों को ही मेंबरशिप दी जाती है, उनमें से वो एक हैं, अच्छा मतलब थे उस वक्त। इन्होंने कहा माय गॉड, आप मेरी बीवी से मिलेंगे क्या, वो आपको देख के तो पागल हो जाएगी। और जब मैं बैठी थी और सामने से इन दोनों को आते हुए देखा, तो मैं भी मतलब भौंचक्का सी रह गई, और ऑफकोर्स हम लोग अदब से खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, और मैंने उनसे कहा कि आपकी अर्धांगिनी नाम की एक फिल्म आई थी जब हम लोग स्कूल में थे, और आपने उसमें पायलट का रोल किया था, तो मैं तो चाहती थी बस मुझे पायलट ऑफिसर ही हस्बैंड मिले, क्योंकि छोटी उम्र स्कूल में पढ़ना। तो उन्होंने हंसकर और मेरे सर पे यूं यूं करके कहा यू गॉट माय ब्रदर ऑफिसर, तो ये बात बहुत अच्छी थी, और मैंने इस तरह से उनकी तारीफ की, तो उन्होंने कहा अ करने लगे, तो मैंने कहा डायलॉग के लिए आप पूरी इंडस्ट्री में फेमस हैं और छा जाते हैं, लेकिन आज मैंने आपका सब डायलॉग बाजी भुला दिया है कि नहीं, इतना हंसे इतना हंसे, और फिर से मेरा सर उन्होंने सहलाया। तो आपने आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे जी उसके हाँ ऊपर? जी हाँ, ये मुझे, मैं बहुत गर्व और अभिमान फील करती हूँ कि आई बिलोंग टू द इंडियन फोर्स, मतलब ये, जो आर्टिकल्स लिखे आपने तो ये मुझे एक थोड़ा सा ये देते थे कि ऐसा ऐसा लिखना है। कोर अच्छा ऑफ इंजीनियर्स से ही मैंने शुरू किया, एक संस्कार नाम का टीवी पे चैनल है, वही एक मैगज़ीन बनाते हैं, और उसमें रक्षा संस्कार नाम का एक कॉलम होता है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए लेख लिखेंगी, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, और मैंने, वो वर्ल्ड वाइड घूमता है मैगज़ीन, और उसमें मैंने, मेरा हिंदी और उर्दू पे काफ़ी प्रभुत्व है, मतलब उर्दू मैंने मेरे वालिद की डिक्शनरियाँ जो थी उसमें से खोल खोल के, और मैंने अपनी उर्दू साफ़ करती गई मैं, हो सकता है क्योंकि वो बड़े स्कॉलर थे ये उर्दू अरेबिक फारसी के, तो हो सकता है जीन्स से आया भी होगा, और मैंने अभ्यास भी बहुत किया। तो ये जब मैंने आर्टिकल्स लिखे, और ये जब, तो कनाडा से मेरी मामी का मुझे फ़ोन आया कि तुमने इतना खूबसूरत लिखा है कि बहुत ही बढ़िया है। फिर एक मेरी फ्रेंड ने कहा, डॉक्टर के पास बैठने गई तो वहाँ काफ़ी मैगजीन्स पड़े थे, मैंने ऐसे ही वो संस्कार उठा लिया और खोला, और तुम्हारी फ़ोटो और ज्योति मातवणकर, ये जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। उसमें मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, जिंदगी सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट ही नहीं, कुछ और भी है, ये साहिर साहब का जो चार, उनका जो था उसको मैंने तब्दील किया है, उन्होंने कहा था जिंदगी सिर्फ
मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, तो वो लेके मैंने तब्दील किया इसमें। जिंदगी सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट ही नहीं कुछ और भी है, पॉलिटिक्स और टेलीविजन ही नहीं कुछ और भी है, जंग और खून की प्यासी इस दुनिया में आर्म्ड फोर्सेस ही एक हकीकत है और यही सच है। उस पर भी वो जो था ऑडिटोरियम, मुझे बहुत तालियां मिली और मैंने कहा आपके सहवास में अगर कोई भी आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का कोई भी आता हो उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि वो जब जागता है श्योर तो आप यहाँ पैर फैला के सो सकते हैं। तो चलते चलते आप हमारे लिए कोई गाना गुनगुनाएं, लता जी का हो, आपका पसंदीदा हो, रफ़ी साहब का हो, किसी का जी। भी। ओ गान को किला लता दीदी है प्रणाम, ओ गान को किला लता दीदी है प्रणाम, एक चमत्कार हो तुम, दिव्य साक्षात्कार हो तुम, युग युग चक चमके तुम्हारा नाम, ओ गान को किला लता दीदी है प्रणाम। मेजर साहब के लिए जो मेरे दिल में जज्बात हैं, उनको कोई कहता है तरन्नुम में, मतलब मैं तरन्नुम में ही सुनाती हूँ, तो लता जी का एक गाना है, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत ना लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत ना लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत ना लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत ना लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना मेरे घर पे पधारे और जर्रा नवाजी की अरे मेरी, भाई और क्या, आप दोनों भी उतने ही महान कलाकार हैं, आपको भी मेरा बिल्कुल आशीर्वाद है दोनों को, जी बिल्कुल। तो ये थे मशहूर सिंगर ज्योति मतवंगर जी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ज्योति मतवंगर जी के जितने सॉन्ग्स हैं, जिन सॉन्ग्स का हमने जिक्र किया इस इंटरव्यू में, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, उन्हें भी सुनना ना भूलिए। थैंक यू।